आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु से शीर्षों तक सरल रेखा खींचने से त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बट जाएगा, यह सिद्ध करें। ठीक है, तो हमने देखिए एक त्रिभुज बनाया जो कि समद्विबाहु है। ए बी सी में आपका ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, और आधार का मध्य बिंदु है डी। अब इस डी को इस ए से मिलाने पर, इस डी बिंदु को ए से मिला दे यदि हम, तो क्या यह त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बट जाएगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों BD बराबर है आपका CD के, क्योंकि D मध्य बिंदु है इस BC का। तो हम बात करें त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज ABC में क्योंकि आपका AB बराबर है AC, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख जो कोण होंगे वह भी बराबर होंगे, यानी ए बी के सम्मुख जो कोण है यानी कोण सी, वह बराबर होगा ए सी के सम्मुख जो कोण है यानी कोण बी के। ठीक है, यानी कोण बी बराबर कोण सी, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए सी है, कोण बी बराबर कोण सी है और BD बराबर CD है। तो दोस्तों दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर है, तो SAS से हम क्या लिख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि हाँ, यह जो त्रिभुज है दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बट जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।